संक्रांत से पहले बाजार पतंगों से पट गए हैं। हमेशा की तरह कुछ पतंगों की सबसे ज्यादा मांग है। राजनीतिक हस्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलबाला है तो सिद्धू मूसेवाला की याद में भी पतंगे बाजार में दिख रही हैं। इस साल की हिट फिल्मों को लेकर भी पतंग मौजूद हैं। ट्रेंड के अंदर जैसे सिद्धू मूसेवाला की पतंग हो गई, प्रिंट की नरेंद्र मोदी जी की पतंग हो गई, अशोक गहलोत की पतंग हो गई, और अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसकी प्रिंट राहुल गांधी की प्रिंट की पतंग हो रही है। बच्चों की पसंद हमेशा की तरह कार्टून की पतंगों को लेकर है। इस बार संक्रांत शनिवार और रविवार को है, इसलिए बाजार में उम्मीद है कि इस बार त्योहार कुछ ज्यादा ही धूमधाम वाला रहेगा। कार्टून में बच्चे फेमस हो रहे हैं, कार्टून की पतंगें चाहिए। दूसरी बात, बच्चों में बड़ा क्रेज हो रहा है कि बड़ी पतंग उड़ाएगी हम इस बार, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 3 साल के अंदर वो लोग बाग अपना भड़ास जो है बड़ी पतंगों के साथ निकालेंगे इस बार मकर संक्रांति पर, क्योंकि हमें बड़ी उड़ानी है। 3 साल से वो अच्छे तरीके से नहीं उड़ा पाए। कोविड के बाद बहुत अच्छी पतंगबाजी होगी इस बार, क्योंकि 15 तारीख का संडे को और ज़्यादा पतंगबाजी होगी, संक्रांति की तरह ही उड़ेगी। पिछले साल तो मतलब बिल्कुल बंद ही था, और इस टाइम जो है थोड़ा बहुत उम्मीद है, उठ सकता है, जो अब देखते बैठे हैं आज में तो। ग्राहक भी दिख रहे हैं, छुट्टियां भी पड़ रही हैं और कोरोना से मुक्त माहौल भी है। बस हवा ने साथ दिया तो इस बार जयपुर का आसमान इतना सतरंगा हो जाएगा कि लोग याद रखेंगे। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।